The question is, find the angle between the x-axis and the line joining the point 3, minus 1 and 4, minus 2. So let's see how we are going to solve this problem. तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ. क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट गिवेन है. एक पॉइंट है आपके पास 3, minus 1. तो अगर मैं 3, minus 1 की लोकेशन की बात करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3 और ऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे लाई करेगा, दैट इज 3, minus 1. दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 4, माइनस 2. तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 4 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट आपका माइनस 2 होना चाहिए. मीन्स दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है. और नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन पार्ट. इन द क्वेश्चन यू आर सेइंग कि आप ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए. लेट मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ. और ज्वाइन करने पर सपोज ये लाइन आपको मिल रही है, ये लाइन आपको मिल रही है, दैट दिस इज अ लाइन जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिल रही है. अब ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना इंक्लाइंड है ये एंगल मुझे पता करना है. तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी लाइन का स्लोप आपको पता लग जाए, मान के चलिए रेंडमली मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम प्लॉट कर लेता हूँ और सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है. इफ आई नीड आई हैव द स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर मेरे पास इस लाइन का स्लोप है तो ये एक्चुअली टेन एल्फा के बराबर होता है, वेयर दिस एंगल इज एक्चुअली एल्फा. और इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे अल्फा डिमांड किया गया है, तो अल्फा निकालने के लिए अगर आप टेन अल्फा निकालें तो अल्फा आसानी से निकल आएगा. अब दूसरा सवाल ये आता है कि टेन अल्फा आप कैसे निकालेंगे. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये बात पता होगी कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है और लाइन पे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, लेट दिस कोऑर्डिनेट इज योर एक्स वन कॉमा वाई वन, ये कोऑर्डिनेट आपके पास है एक्स टू कॉमा वाई टू, और अगर आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए तो स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन इज वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 minus x1 के, which is also the value of tan alpha, अगर ये angle alpha है तो. अब आप ध्यान दीजिए, एक point है 3 comma minus 1, ये पहला point था, और दूसरा point हमारे पास था 4 comma minus 2. तो अगर मैं given line के slope को calculate करूं, जो कि tan alpha के भी equal होगा, this is equal to minus 2 minus of minus 1 divided by 4 minus 3 के. इसको आप लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में आप चेक कर सकते हैं दिस इज योर माइनस वन, और डिनोमिनेटर को आप चेक कर सकते हैं दिस इज योर वन, एंड यू आर हैविंग माइनस वन, यानी एम की वैल्यू आपको माइनस वन मिल गई है. अगर एम आपको माइनस वन है, इट सजेस्ट यू कि टेन एल्फा आपका माइनस वन के इक्वल होगा, और टेन एल्फा अगर आपका माइनस वन के इक्वल है देन एल्फा इज योर 135 डिग्री, मतलब जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 135 डिग्री इंक्लाइंड है, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.